कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। भारत में भी वैक्सीन के जल्द इस्तेमाल की उम्मीदें बढ़ी। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी। फाइजर की बायो एनटेक वैक्सीन को ब्रिटेन की मंजूरी। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में शुरू हो सकता है वैक्सीन का इस्तेमाल। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा सकती है वैक्सीन। बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको ये ब्रेकिंग बताना चाहेंगे, जरा दिखाएं। बड़ी खबर यह है, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। भारत में भी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आज की यह सबसे बड़ी खबर है। फाइजर की वैक्सीन का यूके में इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, यह सबसे अच्छी खबर है और मैं इस बारे में आपको और जानकारी दे रहा हूं। आइए जरा बिग बॉल पर तुरंत हमारे दर्शकों को, यह हमारे लिए इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है और सबसे बड़ी खबर भी है। यहां पर देखें आप जो जानकारी है, ब्रिटेन भारत में जल्द दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। ब्रिटेन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, उसको जरा प्ले करें राहुल। ब्रिटेन में फाइजर बायो एनटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति, यह बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि यहां पर नेक्स्ट प्ले करें वो इंपॉर्टेंट है, दिखाएं। अमेरिका में 10 दिसंबर को एफडीए की बैठक में फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यूरोप में शुरू हो चुका है, अभी भारत में भी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का रास्ता साफ है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये यहां पर है, यूके में अनुमति मिलने के बाद भारत में भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति लेने की कोशिश की जाएगी, नीति आयोग की तरफ से यह स्टेटमेंट आया था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यूके में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई है, यह हमारे पास जानकारी है। यह इस वक्त की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।